फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं हूं आकाश पांडे और आप देख रहे हैं यूनिक्स विलेन, मेक योरसेल्फ यूनिक। दोस्तों, आप सब अभी घर में बैठ के कुछ न कुछ सीख रहे हैं। मैंने देखा मैक्सिमम लोग सीख रहे हैं, इवन चैनल पे भी मैं देखता हूं ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो रहा है। बट आफ्टर कोरोना क्या प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज इसको अभी से समझ के रखोगे तो बेटर रहेगा। क्योंकि अभी देखो, आप देख रहे होंगे कई लोग तो ऐसे होंगे जिनको जॉब से निकाल दिया गया है, और कई लोग ऐसे होंगे जिनकी जॉब खतरे में होगी। सिर्फ ऐसा आप नहीं, हम सब है, तो ऐसे सबके साथ प्रॉब्लम आने वाली है। बट हम कोरोना के बाद कुछ ऐसा टर्म्स कर सकते हैं क्या, जिसके थ्रू हम थोड़ा थोड़ा अपने आप को मेंटेन करके रखेंगे कुछ दिन तक, एटलीस्ट वन ईयर तो सिचुएशन खराब होने वाली है दोस्तों। तो वन ईयर क्या काम कर सकते हैं, वन ईयर मैक्सिमम काम आप ऑनलाइन पोर्टल पर आपको करना पड़ेगा। ऑनलाइन पोर्टल का मतलब क्या होता है, ऑनलाइन पोर्टल इन द सेंस कि आपको वर्क फ्रॉम होम करना पड़ेगा। तो वर्क फ्रॉम होम कैसे करना है इसके बारे में सीखिए। ऐसे कौन से काम है जिसको आप सीख के वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो, इस पे हमारा मेन फोकस होना चाहिए दोस्तों। मेन फोकस अगर आप वर्क फ्रॉम होम करोगे तो मुझे लगता है एक साल तक तो एटलीस्ट, मैं नहीं कहता बहुत अच्छी अर्निंग, बट इतनी अच्छी अर्निंग हो जाएगी कि आपका जॉब चलने लगेगा। अभी मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है नोएडा में, दिल्ली में, कई ढेर सारी कंपनियां हैं जो बोल रही हैं वर्क फ्रॉम होम करिए, हम आपको इतनी सैलरी देंगे, लगभग 15,000-20,000 लगभग सबने दिया है। और अभी अभी 2-3 दिन पहले कई लोगों ने बोला, सर मुझे जॉब की प्रॉब्लम हो रही है, या मेरे कंपनी वाले ऐसा सिग्नल दे रहे हैं कि हो सकता है मुझे जॉब से निकाल दें। तो ऐसे में कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं सिविल के, जिनको आप सीख के अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग रखोगे और थोड़े दिन बाद आप देखोगे कि आपका काफ़ी अच्छा फ्यूचर रहेगा। जिसमें से जो सबसे पहला सॉफ्टवेयर है वो तो ऑटोकैड है दोस्तों। अगर ऑटोकैड नहीं आ रहा है तो समझो कि आपको बेसिक्स का टूल ही नहीं आ रहा है, फिर तो आगे के सॉफ्टवेयर में दिक्कत होगी। कई लोग सोचते हैं मुझे ऑटोकैड आता है, बट आपको ऑटोकैड सही तरीके से नहीं आता है। जब मैं पूछने लगता हूँ तब आप कहते हो, अरे सर ये तो मुझे आता नहीं, मुझे पर्ज कमांड आता नहीं, मुझे ओवरराइड कमांड आता नहीं, मुझे डाटा एक्सट्रक्शन आता नहीं, कई ढेर सारी ऐसी कमांड्स है। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने पूछा था कि व्हाट यू नो अबाउट ऑटोकैड, उसमें आप कंप्लीट देखिएगा कि क्वेश्चन पूछा था मैंने, वो क्वेश्चन आपको आते हैं क्या। दूसरा कौन सा सॉफ्टवेयर होगा जो आपके लिए हेल्पफुल होगा, वो होगा रैबिट। दोस्तों, रैबिट इसलिए होगा क्योंकि ये रैबिट जो सॉफ्टवेयर, ये वर्ल्ड वाइड सॉफ्टवेयर है, मतलब हर एक कंट्री यूज कर रही है। तो अगर आप रैबिट यूज कर रहे हैं, रैबिट का स्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर, MEP तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा है नेविसवर्क, नेविसवर्क से आप 4D का काम कर पाएंगे और ये वर्क फ्रॉम होम है सारे के सारे काम। चौथा सॉफ्टवेयर आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, वो हो सकता है आपका 3ds Max, गूगल स्केचअप, और साथ ही साथ स्टैट प्रो और ईटैब्स, ये सारे सॉफ्टवेयर्स। स्टैट प्रो और ईटैब तो बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं, स्ट्रक्चर बेस्ड सॉफ्टवेयर्स है ये। और जो आप लोग थोड़ा सा इंटीरियर का काम जिसको अच्छा लगता है, वो इंटीरियर का काम, फिलहाल इंटीरियर का थोड़ा मार्केट डाउन रहेगा, फिर भी कई लोगों के पास अभी बहुत पैसे हैं तो वो लोग इंटीरियर करवाएंगे। तो इंटीरियर के लिए आप 3ds Max का सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो, गूगल स्केचअप यूज़ कर सकते हो एक्सटीरियर बिल्डिंग्स बनाने के लिए, और स्ट्रक्चर के लिए आप स्टैट प्रो और ईटैब्स ये यूज़ कर सकते हो। मेरी बैच चल रही है, मंडे से अभी बैच स्टार्ट होने वाली है। एंड एक चीज़ और मैं इन्फॉर्म करना चाहूँगा, जो बैच मेरी सैटरडे से स्टार्ट होने वाली थी वो मंडे से पोस्टपोन हो गई है बिकॉज ऑफ सम रीजंस। तो आप अभी अगर ज्वाइन नहीं किया हो, अगर आपको करना है स्टैट प्रो और ईटैब्स, बहुत ही कम रेट में मैंने सॉफ्टवेयर्स को कन्वर्ट कर दिया है, और आप ईटैब पे मेरे से व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और आपको वहाँ पे सिलेबस देख लीजिए। एटलीस्ट सिलेबस आपको पता चल जाएगा मुझे क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता, और क्या क्या मुझे सीखना चाहिए। मैं केवल स्टैट और ईटैब नहीं पढ़ाता, उसके साथ RCDC है। RCDC बहुत हेल्पफुल हो सॉफ्टवेयर है दोस्तों, उससे आप डिटेलिंग कर सकते हो, किसी की रिपोर्ट दे सकते हो। ये कुछ सॉफ्टवेयर से अगर इनको हमने सही तरीके से सीख लिया, इनमें से एटलीस्ट 3 सॉफ्टवेयर भी अगर हमने सही से सीख लिया, तो ये समझिए कि आपका एक जॉब तो पक्का रहेगा, चाहे पार्ट टाइम चाहे फुल टाइम, तो आपका काम चलता रहेगा। ये मैं नहीं कहता कि बहुत अच्छा, बट एटलीस्ट अभी कोरोना के टाइम पे ये करना पड़ेगा। मैं भी अपने घर पे बैठा हूँ, वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, कई ढेर सारे सॉफ्टवेयर पे मुझे काम मिल रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर पे काम मिल रहे हैं वही काम हो रहे हैं। तो अभी मैं घर से थोड़े से बाहर निकला था, जैसे कि बाहर निकला तो मैंने सोचा कि चलिए एक वीडियो भी आप लोग के लिए बनाता हूँ घर के बाहर ही, तो अच्छा लग रहा है और थोड़ी हवा भी लग जाती है, क्योंकि घर में बैठे बैठे ही बोर हो जाता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, इसमें इन्फॉर्मेशन मिला हो कि यार कौन कौन सा सॉफ्टवेयर किसको सीखना चाहिए, तो प्लीज़ इसको शेयर करना दोस्तों सबके साथ। पहले भी मैंने कई सॉफ्टवेयर्स बताए हैं इससे रिलेटेड, बट इसमें मैंने आपको बताया है कि यही एक चांस हो सकता है सिविल इंजीनियर के लिए वर्क फ्रॉम होम, दूसरा कोई भी चांस नहीं है अभी के लिए, एटलीस्ट कम से कम 6 महीने के लिए। वो जो साइट्स पे काम होने वाले थोड़े बहुत, वो उसमें ना बहुत कम लेबर लगने वाले हैं, बहुत कम इंजीनियर लगने वाले हैं, तो हमारी जो कह सकते हैं कि जो जॉब होगी बहुत कम होगी कंपेयर टू जो हम वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। सो प्लीज़ फोकस करो वर्क फ्रॉम में। एक और सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा मुझे अभी रिक्वायरमेंट मिली थी, उसके GIS के, जियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम, उसके भी बहुत ज़्यादा जो ओपनिंग्स निकल रही है। तो अगर आप सिविल में ही अगर थोड़ा सा अलग डोमेन बनाना चाहते हो, तो आपका GIS बहुत अच्छा है, बेहतरीन रहेगा आपके करियर के लिए। सो प्लीज़ इसको शेयर करो, और साथ ही साथ जिसने अभी स्टैट प्रो ईटैब की बैच में ज्वाइनिंग नहीं किया और करना है, तो फटाफट व्हाट्सएप जाकर कॉन्टैक्ट कर लो। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9792621121। साथ ही साथ किसी को लगता है कि सर मुझे ये सॉफ्टवेयर सीखना चाहिए, किस तरीके से सीखना चाहिए, सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए, व्हाट्सएप पे मुझे कॉन्टैक्ट कर लो, मैं आपको कॉल करके आपको खुद पर्सनली समझा दूंगा कि किस तरीके से और क्या करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।